सो गाइस जब से अनलॉक टूल क्रैक हुआ है, अनलॉक टूल को लॉगिन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये विंडोज 7 में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मैंने काफ़ी लोगों के पीसी पे जाकर इस प्रॉब्लम को फिक्स किया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जैसे ही कोई विंडोज 7 में टूल ओपन कर रहा है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट मांग रहा है, मतलब सर्ट यहाँ पे फिक्स करने का ऑप्शन है तो यहाँ पे सर्ट फिक्स करने के लिए बोल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग टूल को ओपन करके यहाँ पे सर्ट फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे ना तो क्लिक होता है, ना ही यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक होता है, मतलब ना ही लॉगिन होता है ना ही सर्ट फिक्स होता है। तो ये लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के पीसी में मैंने जाके इसको फिक्स किया, तो मैंने सोचा कि भाई मैं कितने लोगों के पीसी पे जाकर फिक्स करूंगा, इससे अच्छा मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट के पीसी पे कनेक्ट हो गया हूँ, उनका अनलॉक टूल ओपन किया हूँ। बट यहाँ पे अनलॉक टूल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्ट फिक्स करने के लिए बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे ये चारों पांच जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक हो रहा है। गाइज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी कर लिया है, तो मेरे से बोले तो मैंने कहा कि चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता हूँ। सो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ना ही किसी भी ऑप्शन पे क्लिक हो रहा है, ना ही लॉगिन वाले पे क्लिक हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। पहले क्या था, जब अनलॉक टूल नहीं क्रैक हुआ था तो उससे पहले यहाँ पे ये जो सर्ट फिक्स है ये आसानी से हो जाता था, लेकिन जब से क्रैक हुआ है यहाँ पे सर्ट फिक्स नहीं हो रहा है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पे टाइम अपडेट कर लेना है। टाइम अपडेट करने वाला गाइज मैं आपको एक सेटअप दूंगा, सेटअप बेसिकली वही रहेगा दोस्तों जो अनलॉक टूल क्रिएट हुआ था उसी से हम लोग इसको फिक्स करेंगे, उससे उसको ओपन करके यहाँ पे सर्ट फिक्स कर देंगे। तो गाइज मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास अनलॉक टूल है क्रैक वाला उसको मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन क्लिक में आप डाउनलोड। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ सिंपली आपको वैसे वैसे करना है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सो गाइज मैं यहाँ से अनलॉक टूल को फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ क्रैक वाला। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तो कॉपी होने देते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अनलॉक टूल क्रैक वाला है जो कॉपी हो चुका है। तो अब मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज अगर आपके पीसी में कोई भी एंटीवायरस होगा तो उससे उसको पहले डिसेबल कर दीजिएगा, वरना इसको डिलीट कर देता। तो मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को पता होगा यहाँ पे तीन फाइल मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो अनलॉक टूल का लोडर है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कर देना है। इससे क्या होगा, ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कर लेता हूँ। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो गाइज देख सकते हैं जो मेरा अनलॉक टूल का क्रैक वर्जन है ये ओपन हो चुका है। ये 29 जून वाला सेटअप है, ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम बता रही है। बन गया, यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं योर सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब इसका जो सर्ट फिक्स है वो फिक्स हो गया। अब आपको गाइज क्या करना है, इसको सिंपली क्लोज कर देना है, इस टूल को डिलीट कर देना है। इससे कोई मतलब नहीं था, बस इसे मैं सर्ट फिक्स के लिए यूज किया था, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद गाइज आप लोग को एक बार फिर से टाइम को अपडेट कर लेना है, इंटरनेट टाइम को अपडेट कर लेना गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये नेट की वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो टाइम को अपडेट कर लेना है, टाइम से भी प्रॉब्लम आता है, टाइम को अपडेट कर लेना है। साथ ही साथ आपका नेट भी अच्छा होना चाहिए, नेट ज़्यादा स्लो रहता है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। तो मैं यहाँ से टाइम अपडेट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं इसका ओरिजिनल सेटअप जो लेटेस्ट टूल है मैं उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज 25 जुलाई का लेटेस्ट सेटअप है, तो मैं इसको फटाफट से रन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कर देता हूँ। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है और यहाँ पे नीचे लिख के आ गया यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। सो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सिंपल सी प्रॉब्लम थी सर्ट फिक्स की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी इस मेथड के जरिए। तो गाइज इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।